बीते दो दिन पहले दिव्यांग महिला के साथ हुए गैंगरेप के आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए दरिंदों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, बिधुनू थाना क्षेत्र की कुरिया चौकी में घर के अंदर सो रही दिव्यांग महिला को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पप्पू पाल निवासी कठोघर व उसके साथी शमशेर निवासी कठोघर को गिरफ्तार करते हुए बड़ा खुलासा किया है। दिव्यांग को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पप्पू ने बताया कि वो गैंगरेप पीड़िता के बड़े बेटे का दोस्त है और उसे जानकारी थी कि वह घर पर नहीं है। इसी बीच उसने रात में अपने साथी को लेकर पीड़िता के घर पहुंचा और दोनों ने उसे हवस का शिकार बनाने के बाद जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। दो अज्ञात लोगों ने गिरफ्तार किया। मौके पर थाना पुलिस और मेरे द्वारा भी रिपोर्ट किया गया और मुकदमा पंजीकृत हुआ। महिला का किसी परीक्षण वगैरह कराया गया और फिर मैंने आधार पूछताछ के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बाई बाई से फिर ये पप्पू और शमशेर पास